ये फिल्में भी हमारी लाइन है, यू नो, हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन की कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हो, हम आज भी बैठे हैं और सीना तान के बैठे हैं। चीटिंग छोड़नी होगी। ये मेरी कहानी नहीं है या ये सिर्फ एक मनोज कुमार शर्मा की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। Hi everyone, this is Vikrant Massey and you are watching me on IWM Buzz. Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented actor Vikrant Massey, who's all set to entertain audience in his new movie 12th Fail. First of all, congratulations and welcome to IWM Buzz. Hi Manisha, thank you for having me. So first of all, I want to know, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी 12th Fail की, तब सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपको भी वो सारी चीजें जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अक्सर, जब लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सब चीजें आपके दिमाग में भी आई? पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं पहले तो 15-20 मिनट खूब रोया, क्योंकि मैंने ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं थी, या कभी ना देखी थी ना सुनी थी, ना कभी जाना था। और आई वॉज रियली मूव्ड, और कहीं ना कहीं इस कहानी में मैंने खुद को भी देखा, तो बहुत कुछ हुआ, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत अद्भुत जीवन रहा है उनका। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि इतना संघर्ष करके इतना कुछ भी एक इंसान झेल सकता है या देख सकता है, और इतने संघर्ष के बाद भी इतना कामयाब होके आगे निकल सकता है। तो इट वॉज रियली रियली इंस्पायर्ड। अमेजिंग। आई वॉन्ट टू नो, लाइक वॉट वर द चैलेंजेस, या फिर कोई मतलब फिजिकली या ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपने किया इस रोल के लिए? काफ़ी चैलेंजेस थे, यू नो, ये बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म रही है मेरे लिए, हम सब के लिए जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है। जी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, लगभग 8-8.5 किलो, 8 से 9 किलो मुझे लूज करने को कहा था विनोद सर ने, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू लुक अ सर्टेन एज, ही वॉन्टेड मी टू लुक 19, फ्रॉम 19 to 28 या 29 की, लगभग आप 10 साल की कहानी कह सकती हैं। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, यू नो, मैंने मेरा काफ़ी, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की कहानी है, तो यू नो, मेरा रंग थोड़ा गहरा करना था, और विनोद सर उसे आर्टिफिशियली मेकअप से नहीं करना चाहते थे, वो बहुत कम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो, तो उसके लिए एक अलग तैयारी करनी पड़ी हमें। एंड स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताना, यू नो, उनकी मानसिकता को समझना या उनके स्ट्रगल्स को समझना, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक फिल्म बनाने में, तो देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू, बट आई थरली एंजॉयड इट। अमेजिंग। हाउ वाज इट वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ विद विनोद सर? Fabulous. I think I had some of the best moments I've had in front of the camera with him. He's a different breed altogether. Yes. I think he's been making films for 45 years. He's made multiple masterpieces as a director, as producer and writer. Yes. I mean, to be working under him was so enriching. So, you know, so academic in so many ways. बहुत चीज़ें सीखा उनसे, बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद, मुझे लगता था मैं सीख के आ जाऊँ, उनको अनलर्न भी करना पड़ा था। इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। अमेजिंग। ऐसा हम देखते हैं कि जब यूपीएससी या आईपीसी ये सब एग्ज़ाम्स जब देते हैं स्टूडेंट्स, तो उन पर बहुत प्रेशर रहता है। न्यूज़ में हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं बच्चे, तो ये जो मूवी है ये कितना चेंज लाएगी, या फिर ये क्या सोशल मैसेज देगी ऑडियंस को कि उनको, मतलब एक इंस्पिरेशनल मूवी लगेगी ये? जी, जैसा आपने कहा कि बहुत, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कई बार आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं या जानते हैं उनके बारे में, इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग। और ये फिल्म उनके लिए क्या कहेगी, मैं शुरुआत तो यहीं से करूँगा, रीस्टार्ट से। मेरा मानना है कि यस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आप शायद पढ़ाई पर देते हैं। एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ गेट वे टू अ बेटर लाइफ, बट ओनली अकेडमिक सक्सेस इज़ नॉट सक्सेस। लाइफ सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और सिर्फ स्टूडेंट्स से ही नहीं, मेरे उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मेरी एक आग्रह है कि यू नो, टू बी अ लिटिल काइंड टू योर ओन सेल्फ एंड योर ओन किड्स। उन पे इतना प्रेशर ना डालें। अगर पढ़ने लिखने की रुचि है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो जो चीज़ में उनकी रुचि है उनको वहाँ पे मोटिवेट करें। स्पेशल स्किल्स होते हैं सबके, नॉट एवरीवन इज़ द सेम। तो बस उम्मीद ये है कि लोग ये फिल्म देख के इस बात को ज़रूर जानेंगे या समझने की कोशिश करेंगे
यू नो ये फिल्में भी हमारी लाइन है, यू नो हारा वही जो लड़ा नहीं, यू नो संघर्ष आजीवन चलता रहेगा। आप कैसे उन चीजों को झेल के गिरते हैं फिर दोबारा उठते हैं, जैसे दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। यू नो हाउ यू स्टार्ट डज नॉट मैटर, हाउ यू रीस्टार्ट इज व्हाट मैटर्स। एंड आई थिंक ये चीज दिस वन थिंग इज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी दैट वे। सो आई होप द यंग स्टूडेंट्स हु वॉच दिस फिल्म ऑन द 27th ऑफ अक्टूबर इन सिनेमाज नियर यू, वहाँ जाके देखें। उम्मीद है कि वो इंस्पायर होंगे इस फिल्म से। अमेजिंग। जब आपने ये मूवी की शूटिंग की तो खुद पर्सनली आपने क्या इसमें से लेसन लर्न किया, क्या टेक, व्हाट यू टुक अवे फ्रॉम दिस? इस फिल्म से जुड़े लोगों से, खासतौर पे विनोद सर से, एक चीज मेरी लाइफ का टेक अवे ये है कि चीटिंग छोड़नी होगी। दैट्स वन थिंग दैट हैज बीन अ मेजर टेक अवे फॉर मी, कि चीटिंग छोड़नी होगी। अगर हम कहीं ना कहीं इस चीज को सत्य मान लें तो शायद उम्मीद है कि दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। Amazing. Recently, I met Drashti Dami also. She's also a television actress. Yes, yes, of course, I know. Yeah. So, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीरीज करना शुरू किया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अनलर्न की। जब आपने टेलीविजन से एक जंप मारा इतना बड़ा, और ऑडियंस आपको ढेर सारा प्यार दे रही है इस इधर भी, तो जब आपने जंप मारा तो ऐसी क्या चीजें थी जो आपने अनलर्न की? बिकॉज ऑब्वियसली बोथ द फिल्मिंग प्रोसेस आर वेरी डिफरेंट। दे आर वेरी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, एंड दृष्टि इज आल्सो राइट। अलग अलग मीडियम्स हैं, एंड यू नो दो वी आर ऑलमोस्ट केटरिंग टू द सेम ऑडियंसेस, बट कहीं ना कहीं हमारी मोटर मेमोरी में वो रहा है। यू नो टेलीविजन हैज ऑलवेज बीन दिस सो कॉल्ड लाउड परफॉर्मेंसेस, यू नो गॉडी एंड ऑन योर फेस। उसको अनलर्न करना पड़ा मुझे। हालांकि मैंने टीवी में भी बहुत ऐसा काम किया नहीं था, लेकिन एक एक अलग प्रोसेस को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। चाहे फिर जैसे मैं बहुत ओवर प्रिपेयर कर लेता था कई बार, तो जो एक स्पॉन्टेनिटी थी वो कहीं ना कहीं नहीं उभर के आ पा रही थी। तो एक आपका प्रोसेस जो होता है, जो एक तरीका होता है, उसको पूरा मैंने रिस्टार्ट किया एज आई सेड। Amazing, nice. On personal note, congratulations, you're becoming a Thank father. You, yes. So how is this journey treating you? It's been kind so far. God's been kind. You know, everything is fine so far. I'm really excited, of course. I'm just looking forward to becoming a father soon. And yeah, let's see. Amazing. Finally, why should audience watch 12th Fail? Why should you watch? You should watch it because this is your story. ये मेरी कहानी नहीं है, या ये सिर्फ एक मनोज कुमार शर्मा की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है और आपकी कहानी पर्दे पे आ रही है। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आउट हियर एंड इवन द वंस हु आर वाचिंग अस दैट वी सर्वाइव्ड। जीवन की कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हों, हम आज भी बैठे हैं और सीना तान के बैठे हैं, और यही अगर आप सिर्फ इस चीज़ पर गौर फरमाएं तो यही एक जीत है। We've all survived, we've all worked very hard, and I think you should go watch this film because this will definitely inspire you, but most importantly, this is your own story. Amazing. Thank you so much. Good luck for the movie. Thank you.